स्पेशली जस्ट रिमाइंडिंग यू कि ये उन लोगों के लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ जो अपना बर्थडे मना रहे हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ यू, एंजॉय दिस डे टू द फुलेस्ट. और जहाँ तक आज के दिन का सवाल है और आपकी हेल्थ का सवाल है, तो टैरो इंडिकेट करता है कि भाई अपने लाइफस्टाइल को, अपनी सोच को, अपने गोल्स को एक बार इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, एक बार उनको जानिए, एक बार सोचिए कि भाई मैंने ठीक से ये जो मैं कर रहा हूँ ये ठीक हो जाएगा या कुछ ऐड ऑन करना है, कुछ और तरीके से नई सोच के साथ जो भी आपके गोल्स हैं उनके बारे में आप एक बार इंट्रोस्पेक्शन ज़रूर कीजिए, ऐसा टैरो इंडिकेट करता है. ये इंडिकेट करता है कि कभी कभी हम लोग कंफ्यूज होते हैं और इसलिए और जल्दबाजी में रहते हैं, तो फिर क्या होता है कि हम एक डिसीजंस नहीं ले पाते. तो इसलिए ये इंडिकेट करता है कि एक आगे बढ़ने से पहले आप थोड़ा सा ज़रूर सोचिए. और आप हो सकता है कि आपको लोनलीनेस फील होता हो या व्हाटएवर कोई भी प्रॉब्लम आपको फील होती हो, स्ट्रेस में हो, बट दैट डजंट मीन कि आप कोई भी गलत रास्ता पकड़े या आप डिसऑनेस्ट इसी से आगे बढ़े. और जैसे कि बंगाली में बोलते हैं ना, अकेला चलो. सो समटाइम्स यू हैव टू रीच आउट टू योर सेल्फ, अकेले एक बार मेडिटेशन कीजिए अपने लिए. तो मोर एंड मोर इंट्रोस्पेक्शन. नाउ एज फॉर एज फिनेंसेस आर कंसर्न, फिनेंसेस में भी आपको आपको वो कई सारे ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं और कई सारी चीज़ें ऐसी आपको फेस करनी होंगी कि आप परेशान हो सकते हैं. सो उसके लिए आप कॉन्कर कीजिए. तो जो कॉन्कर करता है अपनी डिसेबिलिटी से और जो कॉन्कर करता है अपनी प्रॉब्लम से, वही तो सक्सेसफुल होता है. तो टैरो आपको यही इंडिकेट कर रहा है, यही मैसेज दे रहा है कि भाई आप फाइट कीजिए, फाइट फॉर सक्सेस, फाइट फॉर अचीवमेंट, फाइट फॉर हैप्पीनेस. तो अगर आप में इतनी विल पावर है, स्ट्रॉन्ग विल पावर है कि मैं करके रहूँगी, तो डेफिनेटली यूनिवर्स आपको सक्सेस देगा, विक्ट्री देगा. तो यहाँ पर जो फिनेंसिस का है उसमें आप थोड़ा थॉटफुल रहिए. थोड़ा सा परेशान हो के आप फिनेंसिस डील नहीं कर सकते हैं, आपको बड़ा ही प्रैक्टिकल होके फिनेंसिस डील करना चाहिए और इससे आपको सक्सेस मिलेगी. ये यस कार्ड है, ये पॉजिटिव इंडिकेशन है विद अ कॉशन. एज फॉर द रिलेशंस आर कंसर्न, वो इंडिकेट करता है कि भाई थोड़ा सा आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा एटलीस्ट टुडे. और कहीं ऐसा हो सकता है कि कहीं कोई चीज़ें आपको बुरी लगी हो, तो लेकिन फिर भी ज़िंदगी का नाम चलते रहना है. तो यही रिलेशन को लेके भी आपको एक मैसेज दिया जा रहा है कि आप ऑनेस्टी के साथ अगर किसी भी रिलेशन को, चाहे वो पार्टनर रिलेशन हो, आपके ब्रदर सिस्टर का रिलेशन हो, फैमिली रिलेशन हो, एक्सटेंडेड फैमिली रिलेशन हो, तो उसके अंदर थोड़ा सा आपको ऑनेस्टी के साथ काम करना चाहिए. जहाँ पे भी चैलेंजेस आते हैं, हर चीज़ में चैलेंजेस आते हैं और रिलेशन में भी चैलेंजेस आते हैं, तो उनको पार कीजिए पॉजिटिवली, पॉजिटिविटी के साथ काम कीजिए. तो डेफिनेटली जो आज के जो ऐसे रिलेशन जो बिल्कुल आपको उल्टे हैं आपके लिए और आपको शायद पसंद नहीं करते, तो वो भी आपके रिलेशन आपके अम्ब्रेला में आ जाएंगे, आपके साथ आ जाएंगे. तो जस्ट कीप वर्किंग ऑन द रिलेशनशिप. सो आई जस्ट वॉन्ट टू कन्वे दैट ये तीनों कार्ड एक तरफ इशारा कर रहे हैं कि भाई आप इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, चीज़ों को समझ के आगे कीजिए. कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आप नहीं कर सकते. सो वंस अगेन फॉर ऑल बर्थडे गर्ल्स एंड बर्थडे बॉयज, हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ यू.